नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक दोस्त में। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेकंड लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक मूव्स के बारे में बताया, सेकंड वीडियो में मैंने फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए बताया। और आप अगर आपने बेसिक मूव्स नहीं देखे हैं, फर्स्ट बेसिक जो एल्गोरिथम है रूबिक क्यूब सॉल्व करने का, वो आप ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला। फर्स्ट में मैंने आपको एक लेयर सॉल्व करके दिखाया था कि एक लेयर फर्स्ट लेयर जो कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ जल्दी से कर लेता हूँ। मैंने उसमें ग्रीन किया था, तो मैं इसमें भी ग्रीन कर लेता हूँ, तो मैं ग्रीन कर रहा हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है, आप जैसा देख रहे होंगे, या मेरा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है। अब मुझे सॉल्व करने हैं सेकंड लेयर। तो मैं सेकंड लेयर करने से पहले मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होता है। आप जैसे देख रहे होंगे, ये तो सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है। बस आपको करना क्या है, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, ये जो चार कॉर्नर है, इसको सॉल्व अगर मैंने कर दिया, तो मेरा सेकंड लेयर भी सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप इस एज को, ऊपर के एज को, यहाँ सॉल्व हो चुका है, ऊपर के एज को आपको ध्यान देना है। जहाँ पे ब्लू नहीं उसको चूज़ कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लू मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा, यहाँ ब्लू मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा, यहाँ ब्लू नहीं तो मैं इसको चूज़ करता हूँ। तो यहाँ जैसे देखिए रेड है, यहाँ वाइट है, तो ये एज यहाँ आना चाहिए, यहाँ रेड और यहाँ वाइट, ये मैच हो जाएगा। तो बस इस कॉर्नर को आपको राइट में लाना है, राइट में लाने के लिए, तो राइट में लाने के लिए आपको एक एल्गो यूज़ करना पड़ेगा, वो एल्गो ये है, अप राइट, अप इनवर्स, राइट इनवर्स, अप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स, अप फ्रंट। इस एल्गो को आप कहीं भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गो है। आप इस कॉर्नर को यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस एल्गो को यूज़ करता हूँ। तो एल्गो को यूज़ करने के लिए मैं बता देता हूँ, ये तो डाउन है, ये मैंने इसको फेस माना है, तो ये फेस माना है, ये मेरा अप हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे ये लाना है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लाना है, तो आप इस पर फ्रंट मानिए। तो मैं सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले अप, तो मैंने अप कर दिया, अप क्लॉकवाइज, उसके बाद राइट है, तो राइट क्लॉकवाइज, अप इनवर्स, अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट इनवर्स, राइट एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद अप इनवर्स, तो अप इनवर्स, उसके बाद फ्रंट इनवर्स, तो फ्रंट इनवर्स, उसके बाद अप, तो अप, देखिए अप ये हुआ, उसके बाद फ्रंट, फ्रंट क्लॉक, आप देख रहे होंगे ये सॉल्व हो चुका है, कितना आसान है। तो मैंने आपको बता दिया था कि मतलब कोई भी पीस हो, यहाँ से यहाँ लाना हो, मतलब राइट में लाना हो, तो इस एल्गो को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसा सिचुएशन कर रहा हूँ जिसमें आपको इस पीस को लेफ्ट में लाना हो। तो बाय एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये जैसे जैसे मान लीजिए कहीं भी हो, तो इसमें इस पीस को लेता हूँ, तो इसको वाइट के पास लेके जाता हूँ, तो वाइट के पास चला गया। वाइट के पास ले जाने के बाद देख रहे होंगे इस पीस को यहाँ लाना है, ये वाइट यहाँ हो जाए और रेड यहाँ हो जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग इस एल्गो को यूज़ करेंगे, अप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, अप लेफ्ट, अप फ्रंट, अप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। तो इस केस को तो मैं इस एल्गो से यूज करता कर सकते बनाता हूँ। जैसे आप इसको लिख लीजिए कहीं पे, नोट कर लीजिए, अप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, अप लेफ्ट, अप फ्रंट, अप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। कोई ज़्यादा तेज मैंने बोल दिया, तो कहीं भी लिख लीजिए। अब मैं इस एल्गो को यूज़ करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अप इनवर्स देख रहे होंगे, अप इनवर्स, तो मेरा ये फ्रंट हुआ, मैंने यहाँ फ्रंट माना है, इसको फ्रंट मानना ही पड़ेगा, इसको ये सॉल्व है, यहाँ फ्रंट है इसको, क्योंकि यहाँ सॉल्व करना है, तो इसको फ्रंट मानी, फ्रंट मानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रंट मानने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस तरह इसको मैं घुमाऊँगा, मैं इसको इस तरह घुमाऊँगा, तो ये क्लॉकवाइज हुआ, इस तरह घुमाऊँगा तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया अप, उसके बाद लेफ्ट, मेरा लेफ्ट ये हुआ, तो लेफ्ट अगर मैं इसको इस तरह घुमाता हूँ ये क्लॉकवाइज होगा, अगर मैं इस तरह घुमाता हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद इसके बाद अप, अप मैं कर दिया, उसके बाद लेफ्ट, तो लेफ्ट को इस तरह घुमाना, लेफ्ट, उसके बाद फिर से अप, तो मैं फिर से अप करता हूँ, उसके बाद फ्रंट, तो फ्रंट को मैं करता हूँ फ्रंट इनवर्स, उसके बाद अप इनवर्स, के बाद फ्रंट इनवर्स।
तो आप देख रहे होंगे ये सॉल्व हो चुका है, बस इस एल्गो को यूज़ कर लीजिए, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा ये पीस सॉल्व हो गया, ये हो गया, उसके बाद आपका बच्चा क्या आप देख रहे होंगे, ये इस पीस को यहाँ लाना है, तो इस पीस को यहाँ लाना है मतलब राइट में लाना है, मैं इसको फ्रंट मानूंगा। तो पहला एल्गो इसको मैं यूज़ करूँगा। अब मैं एक सिचुएशन का बात करने वाला हूँ, जैसे कि आपने तो सॉल्व कर मैंने राइट लेफ्ट के बारे में बता दिया कि आप अगर कोई पीस है लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट के लिए एल्गो यूज़ कर लीजिए, राइट लाना तो राइट में एल्गो को यूज़ कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए कोई बाई चांस ऐसा केस बनता है कि आपका कोई पीस बचा ही नहीं ऊपर बिना ब्लू का, जैसे आप देख रहे होंगे एक पीस मेरा सॉल्व नहीं हुआ है और कोई ब्लू का जो पीस है वो बचा ही नहीं बिना ब्लू का, यहाँ ब्लू, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू, मतलब ये जो चारों एज है सब में ब्लू है। मैंने बताया था कि ये चारों एज वो लेना है एज जिसमें ब्लू नहीं हो, तो आप देख रहे होंगे। तो चूंकि हुआ क्या कि यही पीस यहाँ पे मिसमैच हो गया, सही जगह पे लेकिन मिसमैच है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग को बस इस एल्गो को, जैसे यहाँ लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में है तो मैं लेफ्ट को यूज़ करूँगा, अगर राइट में रहता तो राइट यूज़ करता। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप इस एल्गो को यूज़ कर लीजिए लेफ्ट को। तो मैं लेफ्ट को एल्गो को यूज़ कर लेता हूँ, कोई पीस ऊपर रख के बस फ्रंट इसको मानना है, देख लूँगी फ्रंट मैं इसको मानता हूँ, तो बस इस एल्गो को यूज़ कर लीजिए। अगर मैं इधर से भी करता तो मैं यहाँ पर राइट मेरा हो जाता तो मैं राइट एल्गो को यूज़ करता, मैं लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट है, तो यूज़ करते हैं यहाँ पर लेफ्ट है अप इनवर्स, उसके बाद है लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, उसके बाद है अप लेफ्ट अप फ्रंट अप इनवर्स फ्रंट इनवर्स। तो देख रहे होंगे आपका एक पीस जरूर आ गया होगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे एक पीस आ चुका है, इसको येलो के पास ले जाकर आप लेफ्ट को फिर इससे यूज कर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये मेरा सॉल्व हो चुका है, आप देख रहे होंगे ये मेरा जो सेकंड लेयर भी सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, तो ये सॉल्व हो चुका है। मैं फिर से बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए आपको चार कॉर्नर सही करने पड़ेंगे, चार कॉर्नर, ये कॉर्नर एक दो तीन ये चार, तो चार कॉर्नर को सॉल्व करने के लिए बस ये दो एल्गो यूज़ करना है। अगर इस कॉर्नर को यहाँ मतलब मैच कर लीजिए, जैसे कि आपका कोई भी कॉर्नर है जैसे ये है, इसको यहाँ ले आके अगर ये दूसरा कलर होता यहाँ होता तो यहाँ कर लीजिए, बस दो। अगर किसी केस में अगर कोई भी बचा नहीं आपका बिना ब्लू पीस, तो मैंने बता दिया अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट को यूज़ कर लीजिए, राइट है तो राइट को यूज़ कीजिए। अगर कोई सिचुएशन आपको ऐसा आता है तो आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अगर सेकंड लेयर का किसी प्रॉब्लम आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं अब लास्ट वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ पूरी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद टेक डोज, टाटा, बाय बाय।